दिल्ली में आज भी भयंकर कोहरा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 मीटर के आसपास की है। विजिबिलिटी की कमी के चलते 49 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं 13 ट्रेनों के वक्त में बदलाव किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान आपको बताते हैं 6 डिग्री सेल्सियस रहा है। कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों में ही दुबकने को मजबूर कर दिया है। ठंड की ठिठुरन से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले तो रहे हैं, लेकिन कोहरे की चादर ने पूरी तरह से यातायात को प्रभावित किया है, जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। विजिबिलिटी कहीं कहीं इलाकों में जीरो है तो कहीं कहीं महज 10 मीटर के आसपास ही दिखाई दे रही है। 6 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। तस्वीर आपके सामने मौजूद है, दिक्कतें लगातार लोगों की बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली और एनसीआर में ठंड का लगातार कहर जारी है। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी टोल पर, और हमारे चंद कदम की दूरी पर जो है यहाँ से डीएनडी टोल है, लेकिन कोहरा इतना घना है कि डीएनडी टोल जो है वो दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की जो कतारें हैं वो लंबी कतारें जा रही हैं, लेकिन धुंध का जो माहौल है, पूरी तरह से कोहरा जो है, घना कोहरा छाया हुआ है, और जो टेम्परेचर है वो करीब 6 डिग्री टेम्परेचर है। लगातार ठंड का जो है वो कहर जारी है, और इस ठंड का कहर से लगातार आम जन जीवन पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस ठंड से, इस घने कोहरे से करीब 49 ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जो ठंड का प्रकोप है दिल्ली एनसीआर में और खासकर उत्तर भारत में, वो खासकर जम्मू कश्मीर और फिर हिमाचल में पहाड़ी पे जो है जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, उस तरह से उस बर्फबारी का जो असर जो है वो दिल्ली एनसीआर के अलावा पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो हवाई, रेल और सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित कोहरे की वजह से हो रहा है। पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो अब भी तस्वीर वही नजर आ रही है, और अभी मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे का कहर इसी तरह से जारी रह सकता है। सड़क यातायात, रेल यातायात, हवाई रफ्तार पर ब्रेक यहां लग गया है, समय बदला जा रहा है, ट्रेनें लेट से चल रही हैं, कई कैंसिल यहां पर फ्लाइट सप्ताह हो चुकी हैं, और अभी भी कुछ इसी तरह की आशंका जताई जा रही है। ठंड का कहर और दिल्ली अब तक की ठंडी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आपको बता दें कि 6 जनवरी जो है सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है, और सुबह 5:30 बजे के तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं जो मैक्सिमम तापमान है वो 18 डिग्री के आसपास रहा। और कोहरे को लेकर पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। आज जो है काफी ज्यादा घना कोहरा देखा जा रहा है। सुबह भी जो विजिबिलिटी है इस वक्त वो सिर्फ 300 मीटर की है, और ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से घने कोहरे के बीच जो है गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। वहीं इस कोहरे का जो असर है वो रेल यातायात पर भी देखा जा रहा है। अब तक अगर आज की बात करें तो 49 ट्रेनों को जो है वो लेट चल रही है, वहीं 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, और 16 के आसपास ऐसी ट्रेनें हैं जिनको रिस्केड्यूल किया गया है। तरीके से मौसम विभाग चेतावनी कर रही है कि अब ये जो आने वाला एक हफ्ता है ठंड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, और कोहरे का जो असर है वो भी दिल्ली पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे की चादर इस वक्त दिल्ली एनसीआर में देखी जा रही है। महज 300 मीटर की विजिबिलिटी है, और इस ये जो लगातार जो टेम्परेचर है वो डिप हो रहा है। रात के वक्त जो तापमान है वो 4.2 डिग्री तक दर्ज किया गया, जो कि सीजन का सबसे ठंडा दिन माना जा रहा है। आने वाले 3-4 दिनों में भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इसी तरीके से ठंड अपना कहर दिल्ली पर बरपा करेगी। कोहरे का भी जो असर है वो देखा जाएगा, तो काफी ज्यादा डेंस फॉग यहाँ इस वक्त, और इसी कड़ाके की ठंड और कोहरे में दिल्ली वालों को कुछ और दिनों तक परेशान होना पड़ सकता है। कविता शर्मा, जी मीडिया। और सीधा रुख करेंगे दिल्ली की तरफ, हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली के कौन से इलाके में मौजूद है, विजिबिलिटी कितनी यहाँ पर दिखाई दे रही है, साथ ही किन दिक्कतों का सामना लोगों को यहाँ करना पड़ रहा है।
देखिए सबीना, मैं इस समय सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हूं और साल के शुरुआती दिनों से ही देखा जाए तो दिल्ली और एनसीआर का जो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि इसकी जो वजह जो है मौसम विभाग के मुताबिक जो हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फबारी हो रही है। इसका खासा असर दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है और आज जो दिल्ली का जो टेम्परेचर था वो 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री के बीच में था। तो इस ठंड से लिहाजा लगाया जा सकता है कि इस डिग्री से लिहाजा लगा सकता है काफ़ी ठंड जो है वो दिल्ली में मौजूद है। तो जाहिर तौर पर इस ठंड और कोहरे की वजह से करीब 49 ट्रेन जो हैं वो दिल्ली से चल रही हैं। इसके अलावा 18 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है और 13 ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो जाहिर तौर पर मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक जो है इसी तरह सा ठंड का जो प्रकोप है वो दिल्ली और एनसीआर में जारी रहेगा। तो काफ़ी अहम है कि जो ठंड का जो माहौल है उस बीच जो है लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना कर कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। हम भी लगातार ये दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि रेल, सड़क और हवाई यातायात के जरिए अगर आपकी कोई प्लानिंग भी बन रही है तो आने वाले दिनों में अभी भी मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोहरे का कहर दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जानकारी के लिए आपका। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी की तरफ भी रुख करें तो कोहरे और सर्दी की डबल मार देखने को मिल रही है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। बाराबंकी में कोहरे के चलते 3 हादसे भी हुए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कोहरा छाया हुआ है। तो बाराबंकी में कोहरे के चलते 3 हादसे हुए हैं। जाहिर सी बात है कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है, कई बार जीरो विजिबिलिटी हो जाती है, यानी कि एक कदम पर भी आपको कुछ नजर आता। इसलिए जी हिंदुस्तान लगातार अपील भी करता रहा है कि अगर आप रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, अपने वाहन को रफ्तार से चलाते हैं तो उसे धीमा कर ले ताकि किसी भी तरह के हादसे का शिकार ना हो। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वजह साफ है कि पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से उत्तर प्रदेश के स्कूलों को 7 तारीख तक बंद कर दिया गया है, लेकिन जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से खामोश हैं, क्योंकि सड़कों पर सन्नाटा इसलिए छाया हुआ है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। मजबूरी में जिनको कहीं जाना है या जो बसें भी चल रही वो भी पूरी तरह से खाली हैं, क्योंकि तापमान तकरीबन अगर रात की बात करें तो 5 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। जो लोग हैं, युवा हैं, जो रात की शिफ्ट या कहीं काम करके आ रहे हैं वही लौटकर अपने घरों को जा रहे हैं। संचालन सेवाओं पर बात करें तो परिवहन सेवाएं पूरी तरह से लड़खड़ा गई हैं, रेल संचालन पटरी से उतर गया है। अमौसी एयरपोर्ट की बात करें तो सवेरे की जयपुर से आने वाली फ्लाइट डिले है। बाकी अगर फ्लाइटों की बात करें तो उनका भी संचालन थोड़ी देर बाद सामान्य हो जाता है, क्योंकि अत्याधुनिक एयरपोर्ट है। लेकिन जो लोग हैं वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोग अपने आप को बचाकर रजाई में छिपाकर रखे हुए हैं। छोटे बच्चे और बड़ों के लिए ठंड काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ठंड लगने से मरने की भी खबर आ रही, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। लेकिन ये साफ तौर से जाहिर है कि ठंड इसी तरह जारी रहेगी तो सरकार को आने वाले वक्त में स्कूलों की छुट्टियां और बढ़ानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन देशराज के साथ श्याम सिद्दीकी, जी मीडिया लखनऊ। तो यूपी के तमाम हिस्सों में कोहरा देखने को मिल रहा है, ठंड और कोहरे का डबल टॉर्चर यूपी में भी देखने को मिला है।